और सिलेक्शन तो लेना है, सपना आपका है, पूरा आपको ही करना पड़ेगा, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। तो एक तरीका होता है रोते रोते पढ़ाई करना, एक होता है हंसते मुस्कुराते पढ़ना, है ना। खुश रह के पढ़ो, आनंद लो किसी चीज का, सीखने पे ध्यान लगाओ, खुद से कहो कि नहीं यार मैं इस चैप्टर को सीख सकता हूं, मैं इस चैप्टर को अच्छा कर सकता हूं या कर सकती हूं। इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो आपसे चीजें बनेंगी, है ना। नेगेटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे, उल्टा उल्टा सोचोगे, गलत गलत सोचोगे, अपने आप को मूर्ख मान के पढ़ाई करोगे तो आप मूर्ख ही बन जाओगे, है ना। अपने आप को समझदार मान के पढ़ोगे, अपने आप से कहोगे कि नहीं यार तू कर सकता है, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, तो चीजें बनेंगी आपसे। जैसा आप खुद से कहोगे ना वैसा आपके साथ होगा, है ना। समझ में आ रही बात, क्यों हम बोलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, इतना तो समझते हो ना। और कई लोग बोलते हैं सर नहीं, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहो, नेगेटिव लोगों की बातें सुनो, आपके ऊपर उनका असर पड़ेगा, आपको भी वो सोचने पे मजबूर कर देंगे, शब्दों में इतनी ताकत होती है ना। मक्के का बीज लगाओगे तो मक्का ही उगेगा, मक्के का बीज लगाने पे एप्पल नहीं उगेगी, है ना। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही दिमाग में घूमेगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही चलेगा, जैसा सोचोगे वैसा आपके खून में बहेगा, है ना। जहर कोई पिएगा तो उसके शहर में जहर ही फैलेगा, है ना। ग्लूकोज की बॉटल चढ़ेगी तो शरीर में ग्लूकोज फैलेगा, है ना। तो ये मत सोचो कि हम जो सोचते हैं, जो कहते हैं, जो सुनते हैं उसका असर नहीं पड़ता, पड़ता है, आपकी रगों में बहने लगता है वो। इसलिए अच्छा सोचो, खुश रह के, मतलब अपने आप को ना टेंशन फ्री करो, रिलैक्स करो, है ना। जो बहुत सारे रेल के डब्बे जैसे 100-200 डब्बे का बोझ लेके जो तुम बढ़ रहे हो, रिलैक्स रहो, है ना, मस्त रहो, आनंद लेकर पढ़ाई करो, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ो, चिंता मत करो, है ना। रोना बंद कर दो सबसे पहले, है ना। खुश रह के पढ़ोगे, मुस्कुरा के पढ़ोगे, आनंद लेके पढ़ोगे, तभी सिलेक्शन होगा। रोते रोते मजबूरी में, है ना, गांव में बोलते हैं झीकते हुए पढ़ना कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होना है, है ना। मजा लो, मजे के साथ पढ़ाई करो, आनंद लो और प्रोसेस चेंज करो, है ना। आपने एक लाइन सुनी भी होगी कि अगर असफलता मिल रही है या आपने कोई काम किया और आप असफल हुए तो अपना लक्ष्य मत बदलो, अपना तरीका बदलो। लक्ष्य नहीं बदलना है हमें, तरीका बदलना है। तरीका हमें ढूंढना है जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाए, उसमें लक्ष्य की, अपने टारगेट की गलती नहीं है। टारगेट तो सही है, हमारा रास्ता गलत है। कहीं पहुंचना है तो उसका रास्ता गलत हो सकता है ना, वो जगह तो वही है। भाई आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने का एक रास्ता है, आप दिल्ली के लिए निकल गए हैदराबाद तरफ, साउथ में आप मुड़ गए तो आपका रास्ता गलत है ना, उसमें दिल्ली की गलती नहीं है। दिल्ली तो जहां है वही है, तो अगर आप हैदराबाद तरफ मुड़ गए तो आपको यू टर्न लेके दिल्ली तरफ जाना पड़ेगा ना, तब सही जगह पहुंचोगे। तो कहीं जाना है तो अपना रास्ता बदलो, लक्ष्य मत बदलो, तरीका बदलो। कोई चीज नहीं आती है उसके लिए अपनी प्रोसेस सोचो कि यार क्या तरीका मैं बनाऊं कि मैं इसको सीखूं, है ना। पॉजिटिव सोचो, सीखना तो है, उसमें आपको एक्सपर्ट तो बनना है, तो तरीका ढूंढो। रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होगा। वैसे ही 17-18-20 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं, फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे सिलेक्शन से किसी और को, आप और आपके घर वालों के अलावा किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो, सत्य बता रहा हूं मैं, है ना। क्योंकि इतने लोगों में 6-7 हजार लोग तो उन्हें मिल ही जाएंगे, सरकार को 6-7 हजार लोग ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, 20 लाख लोगों में से उन्हें वो मिल जाएंगे। चिंता इस बात की करो कि तुम 6-7 हजार लोगों में आओगे कि नहीं आओगे, इस पे दिमाग लगाओ, उसके लिए सीखना पड़ेगा। रोना बंद कर दो, अभी भी समय है।